नमस्कार, सुप्रभात, वंदे मातरम। मित्रों, आज आपसे बात करना चाहता हूँ भारतीय मुसलमानों की, भारत में रहने वाले मुसलमान। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये हिंदू समुदाय से बहुत अलग है संरक्षण के मामले में, ऑर्गेनाइज्ड के मामले में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय मुसलमान एक बहुत क्लोज्ड निट कम्युनिटी है, जबकि हिंदू नहीं है। उदाहरण के तौर पे आप किसी सड़क पर एक मुसलमान को थप्पड़ मार दो, वो मुसलमान को ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगा अपने नज़दीकी मस्जिद या मदरसा पहुंचने में। वहाँ वो मामला बताएगा, 2-3 मिनट के अंदर अंदर वो मस्जिद या मदरसा जो है दिल्ली के जामा मस्जिद को एक फ़ोन करेगा या ईमेल करेगा। दिल्ली के जामा मस्जिद के पास सारा डेटा रखा हुआ है कि अगल बगल के कौन से मस्जिद है, किस मस्जिद में कितने लोग जमा हो सकते हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप क्या है। वो 5 मिनट के बाद उनको खबर देगा, और उनको खबर देने का 10 मिनट के बाद आप सड़क पर अचानक से देखते हो कि 5,000, 10,000, 20,000 की भीड़ जमा हो गई। एक आम हिंदू को समझ में भी नहीं आता है कि एक छोटी सी घटना और अचानक से सड़कों पे और सब जगह जो है ये 15-20 हज़ार मुसलमान कहाँ से आ गए। वो इसलिए ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनकी नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है और एफिशिएंट है, जबकि आपके साथ ऐसा नहीं है। अगर किसी एक हिंदू को एक थप्पड़ मार दो या कुछ करो और उसको बोलो, तो वो नज़दीक के अगर मंदिर में जाके पुजारी को बोलेगा कि भाई किसी मुसलमान ने मुझे थप्पड़ मार दिया, तो पुजारी कहेगा हम ही क्यों बता रहे हो, आप पुलिस में FIR करो ना। आप किसी पार्षद MLA वगैरह के पास जाके बोलो कि भाई किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया, तो भाई तुम्हारी लड़ाई है, तुम खुद लड़ो, इसमें हम क्या कर सकते हैं। आप बहुत हुआ तो बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद वाले से बात करो। आप बजरंग दल के पास जाइए, बजरंग दल के कार्यकर्ता तुरंत लाठी डंडा लेके तैयार हो जाएंगे और बोलेंगे कि चलिए साला कौन है देखते हैं, हमारे सचिव और हमारे प्रभारी जो हैं उनको आने दीजिए। और सचिव और प्रभारी आकर पूछेगा क्या मोर्चा है, धरना देना है, मीडिया आ रही है। वो कैलकुलेशन लगाना स्टार्ट कर देता है कि अगर मैं कुछ करूं, खबर बनती कि नहीं बनती है, पब्लिसिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं नेता के तौर में पेश होऊंगा या नहीं होऊंगा समाज के बीच में। ऐसी सोच आम तौर पे हिंदू नेतागण रखते हैं, मुसलमान नहीं रखते हैं। मुसलमान वेरी क्लियर है कि हमें सिर्फ और सिर्फ मजहब के लिए खड़ा होना है। तो दोनों का जो स्ट्रक्चर है ये अलग है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये अन्ना जो है ये सुबह सुबह ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के बारे क्यों बात करने बैठ गए। मित्रों, मैं बता दूं कि बृहस्पतिवार को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ। हमले के बाद सारे मुसलमान जनसमुदाय जनमानस जो है इनके जुबान पे मानो जैसा लकवा मार गया, सब चुप, कोई रिएक्शन नहीं। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, निंदा करेंगे, कुछ भी नहीं, चुप। हाँ, राजनेता राजनेता ठहरे, जो एक ऑफिशियल बयान देना होता है कि हम इस तरह की घटना का घोर निंदा करते हैं, उन्होंने बयान दे दिया। जैसा असदुद्दीन ओवैसी ने तुरंत बयान दिया कि भाई इस तरह की घटनाएं का हम घोर निंदा करते हैं। पर सामान्य जन समुदाय जो है मुसलमानों को, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। कल उनका जुम्मा था, ये 1 बजे नमाज के लिए पहुंच जाते हैं, जबकि 1:30 बजे से नमाज शुरू होती है। आधा घंटा इनकी तकरीर चलती है, इनको गाइडलाइन दिए जाते हैं। आपको मंदिर का कोई पुजारी बताता नहीं है किसी राजनीतिक विषय में, देश में हो रही घटनाओं पे आपको कैसे रिएक्ट करना है। पर इनके इमाम और मौलाना इन्हें ट्रेनिंग देते हैं, इन्हें बताते हैं कि देश में हो रहे घटनाओं पे आपको कैसा रिएक्शन देना है। और कल 2 बजे के बाद एक भाड़ सी आ गई निंदा करने के लिए कि हम घोर निंदा करते हैं कश्मीर में जो कुछ हुआ, पाकिस्तान आतंकवादी है, पाकिस्तान फलाना है ढिमकाना है। अरे बेशर्मो, किस मुंह से तुम लोग पाकिस्तान को कोस रहे हो? पाकिस्तान का निर्माण के लिए क्या कराची के मुसलमानों ने आंदोलन किया?
पाकिस्तान के निर्माण के लिए क्या पेशावर के मुसलमानों ने आंदोलन किया, क्या लाहौर के मुसलमानों ने आंदोलन किया? नहीं, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने आंदोलन किया, भारत के मुसलमानों ने वोटिंग करवाई कि अलग पाकिस्तान होना चाहिए। और ये लोग 95% के ऊपर इन्होंने वोट किया कि पाकिस्तान अलग देश मिलना चाहिए, और जब मिल गया तो गए नहीं, बोलता कि नहीं हमको तो भारत से प्यार है, हम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। और बेवकूफ़ ढक्कन हिंदू इस बात को मान भी लिए कि हाँ ये भारत को प्यार करते हैं इसीलिए ये लोग नहीं गए, जबकि इनकी मंशा थी कि हम 4 बच्चे पैदा करेंगे, हमारे 4 बच्चे 40 बच्चे पैदा करेंगे, वो 40 बच्चे 800 बच्चा पैदा करेंगे और हम तुम्हारी देश को कब्जा कर लेंगे। मुसलमान अपने तय लक्ष्य के तरफ बहुत क्लियरली बढ़ रहे हैं, हर कपट का हथकंडा इस्तेमाल करके। सारा कंफ्यूजन हिंदू को है, मुसलमान को बहुत क्लियर है, ऐसे वैसे जैसे तैसे भारत को हड़प जाना है इस्लाम के नाम पे, चाहे दंगे करके, चाहे जनसंख्या जिहाद करके। जनसंख्या जिहाद वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि हम सड़क पे लड़कर मारपीट से हिंदुओं से जीत नहीं सकते हैं, खासकर अभी की जो हिंदू पीढ़ी है इससे तो हम बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे। ये मुसलमानों को बहुत क्लियर हो चुका है, गुजरात 2002 में हिंदुओं ने दिखा दी कि तुम 56 तीर्थयात्रियों को मारे तो इस्लामी जिहाद की औकात दिखा दी हिंदुओं ने। तो मुसलमान को बहुत क्लियर है कि हम लड़के नहीं पा सकते हैं, हम वोट के बल पे मताधिकार से भारत को हड़प लेंगे, जितने वोटर पैदा करना है करो, अगर अपने घर में कम पड़ रहे हैं तो बांग्लादेशी लोग को घुसा लो, रोहिंग्या को घुसा लो, उन्हें वोटर आईडी कार्ड दे दो, पर लक्ष्य एक ही है, भारत को हड़प जाना। और एक बार भारत की सत्ता हमारे हाथ लग गई तो हम हिंदू थोड़े ना हैं, हमें तो जो करना है वो करेंगे। और वैसे भी बात सच है कि जब जब मुसलमानों के हाथ सत्ता लगी उन्होंने अनगिनत मंदिरों का विध्वंस किया, लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया, जिस बादशाह का जितनी सामर्थ्य थी उतना बड़ा हरम बनाया और भर दिया उसने हिंदू औरतों से। और हम हिंदुओं को सत्ता मिला तो हमने क्या किया, आधार कार्ड को बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया, बैंक अकाउंट को जो है पैन कार्ड के साथ लिंक किया। वे ऐसा नहीं करेंगे, उनके हाथ सत्ता लगने की देरी है, वो दिखा चुके हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू कैसे विलुप्त हो सकते हैं, और वो चीज़ वो भारत में भी कर देंगे। उनके राह में रोड़ा सिर्फ हम जैसे लोग हैं जो उनको चैलेंज कर बैठे हैं, तो ऐसे वैसे जैसे तैसे जो भी तरीका अपना लो, भारत अनादिकाल से हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। मिटा दिया जाओगे भारतीय मुसलमानों का हाल रोहिंग्या से बदतर कर दिया जाएगा, मगर भारत पर आधिपत्य हम हिंदुओं का ही रहेगा। और वैसे भी चैलेंज लेकर काम करने का मजा ही अलग है, और यह धमक सिर्फ हिंदुओं की होती है। धन्यवाद, वंदे मातरम मित्रों।